chapter number 9, the psalm from heaven. It was written by Australian journalist author and born in 4 September. ये कब जन्म हुआ था इसके राइटर का? 4 September 1916 in Regina. Hetty Polly was the writer of the song from heaven. He has written the story the song from heaven, which means the song from heaven. यानी स्वर्ग से स्वर्ग गाना जो स्वर्ग से लिया गया है. The song from heaven. यानी गाना इन्होंने गाना लिखा था. राइटर गाना लिखा था द सॉन्ग फ्रॉम हेवन. यानी सॉन्ग फ्रॉम हेवन एक सॉन्ग से निकला हुआ गाना. यानी गाना इतना अच्छा था कि सॉन्ग का सबसे अच्छा गाना था. द साइलेंट नाइट होली नाइट इज वन ऑफ द फेमस क्रिसमस कॉल सॉन्ग ऑल ओवर द वर्ल्ड. रीड हाउ इट वाज बोर्न ऑलमोस्ट 200 इयर्स. साइलेंट नाइट होली क्या था? वो इज वन ऑफ द फेमस क्रिसमस कॉल. क्या था ये? क्रिसमस कॉरल था. कॉरल था. कौन सा कॉरल था? साइलेंट नाइट होली होली नाइट. साइलेंट नाइट होली नाइट ये किस क्या था? एक फेमस कॉरल था जो सारे दुनिया में गाया जाता था. वो क्रिश्चियन धर्म के लोग गाते थे. एंड राव रीड हाउ इट वाज बोर्न ऑलमोस्ट 200 ईयर. और कब तक चलता रहा ना? इसके राइटर कौन है? हेटी पोली. हेटी पोली इज द राइटर ऑफ सॉन्ग फ्रॉम हेवन. द सॉन्ग फ्रॉम स्वर्ग से लिया गया गाना. एंड इट वाज 24 दिसंबर. क्या था? एक 24 दिसंबर था. 1818 की बात है ये. 1818 इन हेलिना एन एज ओल्ड विलेज इन ऑस्ट्रेलियन एल्प्स. फादर जोसेफ, उसके जो मेन करेक्टर फादर जोसेफ थे, सैट अलोन इन स्टडी रीडिंग द बाइबल. वो क्या थे? चर्च में बैठे थे और वो अपनी बाइबल पढ़ रहे थे. ऑन टू गॉ यू इन बॉर्न दिस डे इन द सिटी ऑफ डैन एज सेवियर. सडनली देयर वाज अ नॉक डोर ऑफ फादर मॉरिसी. अचानक क्या हुआ? क्या हुआ? फादर मॉरिसी वहाँ पे आए. हु इज देयर? आस्क फादर मॉरिसी के फादर. जब वो अपने बाइबल पढ़ रहे थे तो उनके दरवाजे में एक खटखटाने की आवाज़ आई. उन्होंने कहा, हु इज देयर? कौन है वहाँ पे? आस्क फादर मोरे. फादर मोरे ने पूछा, कौन है दरवाजे पे? अ पीजन वुमन स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ ऑफिस. क्या है? एक गरीब औरत वहाँ पे खड़ी हुई थी. फादर अ चाइल्ड वॉज बॉर्न अर्लियर दिस डे टू पुअर वर्कर वाइफ. दे लिव ऑन द अदर साइड. वो वुमेन कहाँ थी? माउंटेन की तरफ रह रही थी. माउंटेन के उस पार रह रही थी. सैड द वुमेन. दे लिव ऑन द अदर साइड ऑफ वुमेन. तो क्या है? पिजन ने दरवाजा खोल सॉरी उसने दरवाजा खोला. राइटर हु इज देयर? आस्क्ड फादर. फादर मोरे ने दरवाजा खोला. आज ओपन द डोर. हु इज देयर? आज द मोरे आज द ओपन द डोर. और क्या है? आज मोरे ने कहा कि कौन है दरवाजे पर? तो वो अपीजन वूमेन स्टूड इन द फ्रंट ऑफ हिम. अपीजन एक गरीब औरत थी जो वहाँ पे खड़ी हो रखी थी इन द फ्रंट ऑफ हिम. फादर मोरे के आगे वो खड़ी हुई थी दरवाजे के सामने. उसी ने ही दरवाजा खटखटाया. फादर अ चाइल्ड वॉज बॉर्न अर्ली दिस डे टू पुअर वर्कर वाइफ. वाइफ के हाथ में क्या था? उसकी वर्कर वाइफ यानी गरीब एक गरीब औरत थी. वर्कर की औरत थी. क्या थी? एक काम करने वाली की औरत थी. और उसके हाथ में एक बेबी होता है, बच्चा होता है. दे लिव ऑन द अदर साइड ऑफ माउंटेन. वो कहाँ रहता है? माउंटेन के पास. कहाँ है? पर्वत के. वो लेडी कहाँ रहती थी? पर्वत के उस पार रहती थी. एंड सैड द वुमेन. वो ये जवाब किसने दिया? वुमेन. मैं कहाँ है? पर्वत के पार रहती हूँ. एक वर्कर की, एक कार्यकर्ता की, मेरे हस्बैंड काम करते हैं, मैं उसकी वाइफ हूँ और मेरे गोद में उनका बच्चा है. वो ये सब किसने कहे? वुमेन ने कहे. किसने कहे? वुमेन ने कहे. फादर मोरले को कहे. दे वॉन्ट यू टू कम एंड ब्लेस देम. अब क्या वो कह रही थी कि हम बोलते हैं कि फादर को बुला रही थी कि मेरे बच्चे को आशीर्वाद दें. फादर मोरले वाज स्टैंडली मूव ड्यूरिंग विजिट टू राम सेकल हर्ट. अब क्या है? अब वो क्या कर रहा? फादर कहाँ आ गया? फादर वुमेन के साथ आ गया, उसके टूटे फूटे झोपड़े में आ गया. टू विजिट राम सेकल हर्ट. ही सो अ यंग मदर
smiling happily with her baby asleep in his arm. अब क्या है, उसने देखा कि क्या बोलते हैं कि बेबी जो बच्चा था वो अपनी अपनी मम्मी के बाजुओं में सो रखा था. The sense suddenly did not resemble the stable the scene suddenly did not resemble the stable we have Lord Jesus over. उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे फादर को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि क्या बोलते हैं लॉर्ड जीसस है जो मैरी के गोद में लेटा हुआ. वो उसे ऐसा समझ रहा था कि क्या बोले भगवान जीसस है वो मैरी के गोद में लेटा हुआ है. और वो लड़का ऐसा लग रहा है, वो बच्चा ऐसा प्रतीत हो रहा है जीसस क्राइस्ट कितना प्रतीत हो रहा है. यह लास्ट वर्ड ही है राइट इन हिज बाइबल सडनली सीम्स टू बी फुल ऑफ मीनिंग द फादर मोल्ले एट टू क्रिसमस. फादर मोल्ले कहते हैं एक सच्चा क्रिसमस था. क्रिसमस सच्चा इज अ टू क्रिसमस मिरेकल्स एंड हैड कम टू पास. अब क्या है, वो क्या था, एक सच्चा ईसाई था. बैक टू हिज स्टडी आफ्टर द मिडनाइट सर्विस ही ट्राइड टू पुट आउट ऑन पेपर व्हाट ही हैड हैपेंड टू हिम. अब वो क्या कह रहा है, जो उसके साथ घटना हुई, फादर मोल्ले के साथ घटना हुई, वो उसे वो लिखना चाह रहा था. कौन लिखना चाह रहा था, फादर मोल्ले लिखना चाह रहा था उस लेडी को देखकर. वो लेडी के हाथ में क्या था, बच्चा था. वो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि मैरी ने जीसस क्राइस्ट को अपनी गोद में रखा हो. टू फादर मोल्ले टू क्रिसमस हैड कम टू पास. बैक इन द स्टडी आफ्टर द मिडनाइट सर्विस ही ट्राई टू पुट डाउन ऑन पेपर व्हाट ही हैड हैपेंड टू. अब वो क्या, एक पेपर निकाला उसने, अब वो लिखना चाह रहा था जो उसके साथ हुआ. द वर्ड केप हिम टर्निंग इनटू वर्सा एंड व्हेन द ब्रॉन डैन रॉक फादर मोल्ले वाज रिटर्न व्हाट ही हैड सीन. अब उसने उस कागज पे जो उसके साथ हुआ उसे उस कागज में लिख रहा था जो फादर मोल्ले के साथ हुआ. द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस डे. जो अगला दिन क्या था, अगला दिन जो है क्रिसमस डे था. द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस डे. अगला दिन तो क्या कहानी कहाँ से बिगेन हुई, इट वाज 24. क्या हमारा क्रिसमस डे 25 को आता है और हमारी कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, 24 दिसंबर. 24 दिसंबर की बात है. फिर उसके बाद राइटर उठा सुबह उठ के, उस दिन क्या थी, पहले तो 24 तारीख थी, अब क्या थी 25 तारीख. अब सवेरे हो गई है, 25 तारीख है. द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस डे. और अगले दिन क्या था, 24 25 आती है, 24 दिसंबर का 25 दिसंबर आती है. 25 दिसंबर को क्या था, ईसाई धर्म के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल क्रिसमस डे होता है. द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस डे. फ्रेंक जेवियर गुरबर द म्यूजिक टीचर एट द विलेज स्कूल. एक वहाँ पे म्यूजिक टीचर होता है, उसका नाम क्या था, फ्रेंक जेवियर द म्यूजिक टीचर एट द विलेज. और वो म्यूजिक टीचर होता है, गांव का म्यूजिक टीचर होता है. कम टू विजिट फादर, गांव का जो म्यूजिक टीचर होता है वो फादर मोरे को मिलने आता है. कौन मिलने आता है, गांव का म्यूजिक टीचर फ्रेंक जेवियर फादर को मिलने आता है. ही लव द पोयम एंड कंपोज म्यूजिक टू फिट द वर्सेस. वो क्या करता है, ही लव, वो जो म्यूजिक डायरेक्टर होता है, जो म्यूजिक टीचर होता है, उसे पोयम अच्छी लगती है एंड कंपोज म्यूजिक. और वो संगीत तैयार करता था टू म्यूजिक टू फिट द वर्सेस. द पोयम नाउ बिकेम अ सॉन्ग. पोयम क्या हो गई, द पोयम हैड बिकेम अ सोयम. क्या है, तो पोयम क्या हो गई, एक सॉन्ग. द पोयम नाउ बिकेम अ सॉन्ग. द पोयम नाउ बिकेम अ, और जो पोयम थी वो क्या थी, वो सॉन्ग बन गई. क्या बन गई, पोयम किसमें कन्वर्ट हो गई, उन्होंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, सॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया. द पोयम नाउ बिकेम अ सॉन्ग, सॉन्ग में से कन्वर्ट कर दिया, पोयम को सॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया. द विलेज चिल्ड्रेन हर्ड द प्रीस्ट. अब विलेज चिल्ड्रेन ने किसे कहा, ये पुजारी को कहा. द विलेज चिल्ड्रेन हियर हर्ड द प्रीस्ट. अब उन्होंने किसे कहा, ये द विलेज चिल्ड्रेन हर्ड द प्रीस्ट. अब क्या कहा, द विलेज चिल्ड्रेन ने क्या कहा, ये पुजारी को कहा. द विलेज चिल्ड्रेन हर्ड द प्रीस्ट. और उसने पुजारी द विलेज चिल्ड्रेन हियर द प्रीस्ट. और उन्होंने जो विलेज के जो चिल्ड्रेन होते हैं उन्होंने पुजारी को सुना एंड द टीचर सिंगिंग द पोयम. और जो टीचर था जो पोयम सुन रहा था, क्या सुन रहा था, एंड
and the teacher singing the poem. The teacher kya tha, wo poem sun raha tha. And teacher singing the poem. Sun bhi raha tha aur ga bhi raha tha. Acha tha. And the teacher singing the poem. Aur teacher kya tha, poem ko ga raha tha. And they soon learned it. Aur usse unhone learn kar liya. A few days later, an organ builder was called it from neighbor. A few days, कुछ दिनों के बाद later on, a organ builder को बुलाया जाता है, was called it from the neighbor village. पड़ोस के village से क्या है? एक music organ builder को बुलाया जाता है, जो क्या कहते हैं music के instrument को ठीक करता है. From the village, neighbor village to repair the church again. When he finished his work, he asked Frank Gerber to try it out again. Frank Gerber began to sing the song that he had composed for the father More. Church organ. A few days later, an organ builder was called it from the village. अब क्या है? कुछ दिनों के बाद क्या है? म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट करने वाले को बुलाया जाता है पड़ोस की विलेज से बुलाया जाता है. देन जब उसने व्हेन ही फिनिश हिज वर्क, जब उसने अपना काम फिनिश कर लिया, तो ही आस्क फादर, तो उसने फादर गर्बर को पूछा कि ही आस्क ट्राई टू हिज फादर गर्बर बिगेन टू सिंग अ सॉन्ग दैट ही हैड कंपोज्ड. तो उसने कहा कि व्हेन ही फिनिश हिज वर्क ही आस्क फादर, तो उसने फादर गर्बर को कहा कि फादर गर्बर को कि जो तुमने गाना गाया, जो तुमने मेरे लिए गाना लिखा है, जो तुमने मेरे गाना कंपोज किया है. फादर मोरे किसे पूछता है, इस जो रिपेयर करने वाला था, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रिपेयर करने वाला होता है, उससे पहले जो तुमने गाना मेरे लिए प्रिपेयर करा है, तो वो मुझे सुनाओ. आई हैव नेवर हार्ड द सॉन्ग बिफोर, ये गाना मैंने पहले नहीं सुना. आई हैव नेवर हार्ड द सॉन्ग बिफोर, पहले ये गाना नहीं सुना. द ऑर्गन बिल्डर सैड विद द इवनिंग हिज आई वाइज, उसने धीमी आवाज़ में कहा, वुड यू माइंड इफ आई टुक इट विद मी, तुम क्या बोलते हैं, अगर तुम बुरा मान मत क्या ये गाना मैं अपने साथ ले जाऊँ. द पीपल वियर आई लिव वुड लव इट, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ द पीपल वियर आई लिव वुड लव इट. आपको द पीपल वियर आई लिव जहाँ मैं रहता हूँ वो इस गाने को देखते सुनेंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे. फादर फ्रैंक गर्बर एग्रीड, फ्रैंक गर्बर क्या हुआ, वो एग्री हो गया. ऑन हिज वे द ऑर्गन बिल्डर से हमिंग द सॉन्ग, ऑन हिज वे द ऑर्गन बिल्डर, जो ऑर्गन बिल्डर जब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ठीक करता रहता है, वो गाने को क्या है तैयार करता रहता है. ही टोल्ड द सॉन्ग टू द चिल्ड्रेन टू द विलेज, अब क्या है, ही टोल्ड, इसने सारे गाने क्या है, ये गाना क्या है, ही टोल्ड द सॉन्ग टू द चिल्ड्रेन इन द विलेज. अब ये गाना एक म्यूजिक जो म्यूजिक बिल्डर होता है, सॉरी ऑर्गन बिल्डर होता है, तो उसने क्या है ऑर्गन बिल्डर होता है तो उसने वो गाना किसे सुनाया, गाँव के बच्चों को सुनाया और सिखाया. He taught the song to the children in the village. उसने ये गाना किसी बच्चों को सिखाया. It was called it. The song from heaven. ये गाना कैसे था? The song from heaven में से था. And the quickly became popular. क्या हुआ? वो बहुत ज़्यादा popular. सारे village में popular हो गया. And quickly became popular in the whole valley of Jellicoe. अब वो सारे ये गाना सारे गांव में famous हो गया. Whole valley. The children found the song charming. The children ने गाना बहुत अच्छा गाया. The children found the song charming. Children को ये गाना बहुत अच्छा लगा जो उस organ builder ने गांव के बच्चों को ये गाना सिखाया. And the song charming and people were enchanted when they heard it. जब लोगों को सुनाया कि लोग बहुत खुश हो गए इस गाने को सुन के. All of the youngster in the अब ये गाना पूरे उसमें फेमस हो गया. अब जो वहाँ के नौजवान थे उनको भी ये गाना बहुत अच्छा लगा. The young ones with the most beautiful voices were the four special children. जो चार युवा थे वहाँ पे, उनके नाम क्या थे? Special children. Caroline, Joseph, उनका नाम क्या था? Caroline था, Joseph था, Andy था और Little Emily था. उन चार जवानों के नाम क्या थे?
parents were blown away. अच्छा है, the children कहाँ रहते, travel कहाँ घूमते थे, north way to left way में घूमते थे, and the side of the annual travel. The parents were blow makers. वो उनके parents क्या थे, blow makers थे. The children help display and sell the tall glow. अब the children ने क्या है, तो help display and sell. अब children क्या करते थे, soft glow को बेचते थे. Leipzig was an exciting city. Leipzig was exciting city थी, but at the time the youngster feel lost in but at the time the youngster lost in the bright light and proud and miss the valley of Javerthi. अब youngster feel lost. जब वो city अपनी city से बाहर निकले, तो वो youngster अपनी city से बाहर निकले, तो उनको अपनी city को छोड़ने का बहुत दुख हो रहा था. And then they did just what they did at home. When they three needed lifting, they sang together. अब उन्होंने गाना इकट्ठा गाना शुरू कर दिया. The song they sung most because it was their favorite one. अब the song from heaven. ये गाना कौन सा था? The song from heaven था. ये चारों बच्चे ये गाना गा रहे थे. The song they sung most. जो गाना उन्होंने बहुत अच्छे गाए, because it was their favorite word. जहाँ चाहिए वो उनके बहुत favorite थे. And the song from heaven. ये कहाँ से लिए थे? ये गाने पूरे क्या कहलाए? The song from heaven. The children found that the song charmed everyone in the busy city. The children found that the song charmed everyone in the busy city. अब क्या है? ये सिटी में सबको अच्छा लगने लग गया. लोग आते जाते इस गाने को सुनने लग गए. And passer by stopped to listen and were enchanted by beautiful melodious tune. उनकी tune क्या थी? Melodious थी. और क्या थी? वो गाना सबको बहुत पसंद आ रहा था. One day an elderly gentleman introduced himself to the children. One day an elderly gentleman introduced himself to the children. अब क्या है, one day एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और क्या है वो इंट्रोड्यूस कराता है, चिल्ड्रन को इंट्रोड्यूस कराता है एज अ डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ म्यूजिक. वह एक दिन क्या होता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और क्या करता है कि डायरेक्टर के क्या करता है एक बूढ़ा व्यक्ति आता है उन आता है और उन चारों बच्चों को किससे इंट्रोड्यूस कराता है, परिचय कराता है म्यूजिक डायरेक्टर से परिचित कराता है. इन द किंगडम ऑफ सगजोनी, कौन से, इन द किंगडम ऑफ सगजोनी में इंट्रोड्यूस कराता है. ही गिव देम टिकट टू वन ऑफ द कॉन्सर्ट एंड दैट की कंडक्ट यंगस्टर वाज डिलाइटेड. ये सब सुनकर क्या है, वो चारों बच्चे बड़े खुश हो गए जब म्यूजिक डायरेक्टर ने इनका गाना सुना. और म्यूजिक डायरेक्टर के पास जब वो बूढ़ा व्यक्ति उन बच्चों को म्यूजिक डायरेक्टर के पास ले गया और उन्होंने उनका चैरिटी शो ऑर्गेनाइज कराया. ये सुन के चारों बच्चे बड़े खुश हो गए. दैट इवनिंग when they entered a Berlin auditorium, जब ऑडिटोरियम में पहुंचे, they could not believe their eyes. वो अपनी आईज में बिलीव नहीं कर पाए. It was filled with men in silky hats and ladies in. अच्छा, it was filled with men in silky hats and ladies in bustling gowns. It was filled with men in the silky hats. और क्या था, वो ऑडिटोरियम सब लोगों से भरा हुआ था. And it was filled with men like silk hats, उनके हाथ में टोपी थी, and ladies in the bustling gown. और ladies कितने थी, gown में थी. There was still in a way as the concert ended. And then to their utter surprise, the old gentleman rose to announce that there were 4 children present. अब क्या था, वो लोग वहाँ पे लोग बैठे थे, मैन ने क्या थी, हैट पहनी हुई थी, टोपी पहनी थी और लेडीज ने गाउन पहना था. एंड दे वार स्टिल इन अवे टू कॉन्सर्ट एंडिंग. अब क्या है, वो उन बच्चों को इंतजार कर रहे थे कि ठीक है, मतलब कब वो गाना सुनाएंगे. एंड देन टू देयर अटर सरप्राइज द ओल्ड जेंटलमैन गोस टू द ओल्ड मेंटर ओल्ड तब क्या करा उस ओल्ड जेंटलमैन अनाउंस करा जेंटलमैन गोस टू अनाउंस दैट देयर वार 4 चिल्ड्रन प्रेजेंट विद द फाइनेंस वाइज. अब क्या है, उन्होंने क्या कहा कि 4 बच्चे आ रहे हैं जो तुम्हें गाना सुनाएंगे विद द फाइनेंस वाइज. ही हैड हर्ड इन ईयर, जो कि उसने सालों से कभी नहीं सुनी थी. ही आस्क्ड देम टू कम ऑन
Radharani. The announcement took the youngster, away, and their faces plain as people began to applaud. अब क्या है? जैसे उसने अनाउंस करा तो यंगस्टर की सांसें बढ़ गई और उसके चेहरे में एकदम से रौनक आ गई और and let us just shut our eyes and pretend we are singing at home. क्या है? Let just shut our eyes and pretend we are singing. उन्होंने आवाज से अपनी आंखें बंद करी और वो गाना गाने लगे, ऐसा गाने लगा जैसे वो घर में गा रहे हैं. Emily whispered to the others. Their first song was the song from heaven. उनका पहला गाना कौन सा था? The song from heaven, जो स्वर्ग का गाना था. When they finished this singing, जब उन्होंने ये गाना फिनिश करा, they were moment of stunned silence all over round before the applause broke out. अब क्या? There was moment of silence. चारों तरफ क्या हो गया? क्या है? शांति हो गई जब उन्होंने गाना गाया, चारों तरफ शांति हो गई. And the youngsters sang all the songs by they knew, and when they knew no more, they sang the song from heaven. अब उन्होंने गाना गाया, the song from heaven again. The audience was very still, shouting more and more when a gentleman in a uniform came to the platform and said the majesty desired to receive the singer. अब क्या है? उन्होंने उस गाने को क्या है बार बार सुनने की इच्छा जाहिर की जो वहाँ पे पब्लिक बैठी हुई थी. And that was very pretty indeed. The king said the thing that was very pretty indeed. The king said after the children had been introduced, king राजा ने देखा ये सब. We have never heard the Christmas song before.